यूरिन इन्फेक्शन। महिलाओं के लिए अक्सर ये समस्या मुसीबत बनकर सामने आती है और कई मामलों में इस मुसीबत की वजह होते हैं पब्लिक टॉयलेट्स। सफर के दौरान या कहीं शॉपिंग में या कहीं दफ्तर में कई बार ऐसा टॉयलेट इस्तेमाल करना पड़ता है जिसे कई और लोग पहले से इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी से इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। डियर लेडीज, अगर आप भी बार बार होने वाले यूरिन इन्फेक्शन यानी यूटीआई से परेशान हैं, तो कुछ टिप्स अपना लीजिए, आपकी समस्या बिल्कुल दूर हो जाएगी। टिप्स नंबर 1, पब्लिक टॉयलेट की सीट पर बैठने से पहले उसे टिश्यू पेपर से साफ जरूर कर लें। कई लोग इस सीट को इस्तेमाल करते हैं, ऐसे में आपकी सुरक्षा इसी में है कि आप खुद बैठने से पहले इसको साफ कर लें। टिप्स नंबर 2, कोविड महामारी के बाद से सभी लोग सैनिटाइजर भी बैग में रखने लगे हैं। इसका इस्तेमाल भी आप टॉयलेट सीट साफ करने में कर सकती हैं। जब भी बाहर किसी सफर पर हो तो टॉयलेट सैनिटाइजर जरूर साथ में रखें और इससे टॉयलेट सीट पर स्प्रे करके साफ जरूर करें। इससे आप कई बीमारियों और यूटीआई जैसी तकलीफों से भी बच सकती हैं। टिप्स नंबर 3, सीट साफ करने या सैनिटाइजर इस्तेमाल करने में दिक्कत है तो सीट कवर साथ रखें। ये कवर्स आसानी से बाजार में मिल जाते हैं और इन्हें बैग में रखना भी आसान है। ये बेहद पतली शीट टॉयलेट सीट पर बिछाएं और उसके बाद टॉयलेट का इस्तेमाल करें। इसके बाद शीट को डस्टबिन में डाल दें। टिप्स नंबर 4, पब्लिक टॉयलेट में रखे साबुन को इस्तेमाल ना करना ही ज्यादा सुरक्षित है। इसे कई लोग इस्तेमाल करते हैं और ऐसे में जर्म्स के ट्रांसफर होने का रिस्क ज्यादा होता है। हमेशा हैंड वॉश ही इस्तेमाल करें या फिर साथ में पेपर सोप रख लें। टिप्स नंबर 5, अगर पब्लिक टॉयलेट में हाथ धोने के लिए ठंडे या गर्म पानी का विकल्प हो तो गर्म पानी से हाथ धोएं। इससे हाथों की सही तरीके से सफाई होगी और हाथों को हमेशा 20 सेकंड तक धोएं। ये टिप्स अगर आप आजमाएंगी तो आपका यूटीआई या यूरिन इन्फेक्शन का खतरा कम हो जाएगा। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए इस चैनल से इनटू द लाइफ से जरूर जुड़े रहिए। अगर आपने अब तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। ये वीडियो अगर कुछ जानकारी भरा या काम का लगा हो तो इसे शेयर और लाइक करना